जूता भी सारा टूटा हुआ है मेरी बेटी का। ये हाथ इसका ना सही नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ मैं तो चल के दिखाती हूँ। हाँ ये तो कहती मुझे स्कूल क्या हो गया? बस 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 रोना नहीं है, रोना नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया बहन क्या परेशानी है आपको? परेशानी बेटी की है मुझे। इस बेटी की है जी। क्या हुआ है इनको? इसको ये 1.5 साल की थी जब ना इस बीमार हो गई थी। हाँ इलाज भी काफी करवाया लेकिन ना सही नहीं हुई फिर। अच्छा फिर अभी 2-4 साल पहले इसका ना ऑपरेशन करवाया था। किस चीज का ऑपरेशन करवाया था? पाँव का। दिखाओ बेटा पाँव का। अच्छा हाँ फिर उससे पाँव का तो कुछ फर्क पड़ा है लेकिन ना हाथ का करवा रहे थे। हाँ हाथ का उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। बेटा आप चल लेते हो? जी। कैसे चलती हो दिखाओ मुझे। जूता भी सारा टूटा हुआ है मेरी बेटी का। ये हाथ इसका ना सही नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ मैं तो चल के दिखाती हूँ। हाँ ये तो कहती मुझे स्कूल दाखिल करवाओ लेकिन बस इतनी तौफीक नहीं है। कितना पढ़ा है मेरा बच्चा? आंटी मैं ना अभी तक घर में 9th 8th तक पढ़ी हूँ लेकिन अभी मैंने कल से मैंने 9th का कोर्स लिया है। हाँ ये हाथ दिखाओ मुझे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीधा नहीं होता? नहीं इसको करो करो तो सही होता है लेकिन नहीं हो जाता। कभी कभार होता है जी। तो बेटा क्या लगता है अगर ऑपरेशन हो तो सही हो जाएगा? पता नहीं आंटी। हाँ अब कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि। हाँ विक्टोरिया वालों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता। हाँ वैसे कहते हैं ऐसे ना फिर दिमाग से बैठ बैठ जाइए। हाँ कैसे हो रहा है गुजर बसर फिर? बस आप क्या काम करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती। लोगों के घरों में काम करती हैं। कितने घरों में काम करती हैं? मेरे पास एक घर था जिसमें मैं खाना भी पकाती थी। हाँ मिस्त्री भी करती थी। अच्छा जी तो अभी करती हैं या छोड़ दिए? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अभी कुछ ना वो चले गए कहीं गए हुए। अच्छा वो कितना देते थे आपको महीने का? वो मुझे 9,000 किचन का देते थे। हाँ 2,000 इस्त्री का देते थे। 2,000 इस्त्री का देते थे। प्यारी बहन आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे 2 बेटियाँ? एक बेटा है 3 बेटियाँ। एक बेटा है 3 बेटियाँ हैं जी। इससे 2 बड़ी हैं या छोटी हैं? ये सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी है। वो ठीक है माशाल्लाह से? अल्लाह का शुक्र है वो। अच्छा और मियाँ क्या करते हैं आपके? वो ड्राइवर है। प्राइवेट ड्राइवर हैं। तो अभी इस टाइम कहाँ हैं वो? वो अब ड्यूटी पे। ड्यूटी पे होते हैं। मैंने सुना था उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं। तो फिर आपको खर्चा देते हैं? हाँ बस गुजारा हो जाता है। हाँ गुजारा हो जाता है। ये देखिए इनकी ये दीवार जो है वो सारी गिरी हुई है। इन्होंने जो है पर्दे लगाए हुए हैं यहाँ पे और ये इनका घर बार है। यहाँ पे ये रहती हैं। बच्ची की वजह से ज़्यादा परेशान हैं। एक कमरा है इनका बकाए इनका किचन वगैरह। और ये जलाते हैं आप आग के लिए जी? लकड़ियाँ नहीं ली जाती? लकड़ियाँ नहीं ली। हाँ ये कल लेके आए थे परसों फिर कुछ सूख जाएंगे तो फिर जलाएंगे। अच्छा बेटा आप कोई काम कौन सा काम आप कर सकती हो जो आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ? आंटी मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। पढ़ाई करने का शौक है? आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? आपको किताबें लेके देनी है? किताबें कुछ 3-4 मेरे पास हैं। हाँ और कितनी किताबें चाहिए? आप मुझे लिख के दोगे तो मैं आपको किताबें ला दूंगी। वो तो मेरी बहन को पता होगा ना। अच्छा फिर आप घर बैठ के ही पढ़ोगे? मम्मा पापा से कहा था कि हाँ। अच्छा लगवा दे मैं स्कूल जाऊंगी। हाँ लेकिन अम्मी अबू अफोर्ड नहीं कर सकते। अम्मी अबू अफोर्ड नहीं कर सकते इस वजह से रक्षा नहीं लगवा के दिया। अगर रक्षा लगवा के दिया होता तो फिर आपने स्कूल जाना था जी। ऐसे ही है। कौन सी क्लास में जाना था? अभी मैंने 9th में दाखिला लेना था। 9th में दाखिला लेना था जो कि नहीं ले सके। ऐसे ही है। कोई आपका भाई कितना है? छोटे है बड़ा नहीं है वो? मेरे भाई तकरीबन 15 या 13 साल का होगा। 13 साल का होगा बेटा। तो फिर वो साइकिल वगैरह कुछ इस तरह का हो जो वो चला के जाए और आपको ले जाए साथ? साइकिल पे तो वो नहीं जा सकता। हाँ मोटरसाइकिल पे ले जा सकता है शायद जी। हाँ हाँ लेकिन अभी छोटा है वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाएगा ना जी। आंटी तो फिर आपको किताबें ले देती हूँ आप घर में पढ़ना शुरू कर दो। आपकी छोटी बहनें पढ़ रही हैं जी? वो कौन सी क्लास में है? एक है जो सेकंड ईयर में है। हाँ एक है 6th। तो बेटा आप ऐसे करो ना बुके मैं आपको ले देती हूँ आप घर में बैठ के पढ़ा करो और फिर जो है आप जाके पेपर दे आया करो। हाँ जी मैंने ये सोचा था कि मैं घर में पढ़ूंगी फिर एग्जाम
हाँ एग्ज़ाम जाके दे आया करो, ठीक है? फिर ले दूँ किताबें आपको, सारी किताबें वगैरह ले देती हूँ, आप घर में पढ़ो, और जब साल बाद एग्ज़ाम आते हैं तो फिर आप जाके पेपर दे आना, और जो वो रक्षे का किराया होगा जब आप पेपर देने जाया करोगी वो मैं दे दिया करूँगी, ठीक है? खुश हो आप? ऐसे कर लें फिर। इसके अलावा मैंने सुना है आप सिलाई भी करते हो। मुझे कढ़ाई का शौक है, मैं कढ़ाई भी करती हूँ। कढ़ाई भी करते हो? ये हमारे बच्चे जो हैं, ये हमारी बहन जो है पठान हैं, और बड़ी मुश्किल से उर्दू बोल पा रही हैं। आप पठानी में कोई बात करना चाहें तो करें, हो सकता है कोई आपको पठान बहन भाई भी देख रहा हो, तो क्या कहेंगी? पढ़ाई जिस तरह एक फिक्र है ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसको पठानी में कैसे बोलती हैं? माँ पढ़ाई दे शौक था, तालीम। हाँ मुझे पढ़ाई का शौक था, तालीम का, ऐसे ही है। क्या कढ़ाई करती हैं? वो लेके आए बेटा, वो दो उठा के। अभी तो सीख रही है, कम है। देखो आप भी कढ़ाई करती हैं फिर? जी मैं भी। ये देखिए ये माँ बेटी दोनों जो है कढ़ाई करती हैं। प्यारी बहन इसका कितना मिलता है आपको? ये 1 रुपए का एक शीशा लग रहा है। 1 रुपए का एक शीशा लग रहा है, शीशों के हिसाब से। आप 10 शीशे लगाओगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो फिर एक दिन में कितने शीशे लगा लेते हो? तकरीबन मैंने 15-16 लगा लिए। 15-16 लगाए हैं तो ये बहुत कम नहीं है उजरत? बहुत कम है, लेकिन क्या करें। कितने दिनों में बन जाता है सारा? ये 2 दिनों में बन जाता है। 2 दिनों में, 2 दिनों बाद आपको कितने पैसे मिलते हैं? इसके 250 शीशा होता है, फिर 250 रुपये मिल जाते हैं। 250 रुपये मिल जाते हैं, फिर उस 250 से आप घर का गुजारा चलाती हैं, ऐसे ही है? थोड़ा कुछ तो, 250 तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत साल तो बन जाता है। सही बात है। आपको सिलाई नहीं आती? आती है सिलाई मुझे भी। तो फिर आप करते नहीं हो? सिलाई करते हैं, लेकिन वो यहाँ के लोग जो है ना देते नहीं। अभी मेरे बेटे ने कुछ सूट सिलाई किया हुआ है, अभी तक भी घर में पड़ा हुआ है। हाँ सिलाई नहीं देते? नहीं देते। हाँ वरना आपको सिलाई मशीन ले देते, चलो ये है कि आप सिलाई करती तो कुछ ना कुछ गुजारा होता रहता। हाँ। ना कोई कोई ऐसे भी है कि कपड़े उठाते साथ पैसे भी दे देते हैं। कोई कोई ऐसे कि बिल्कुल पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। सही बात है। ये लो बेटा ये जाय नमाज है, ये आपकी वालदा का सूट है, और ये मेरी प्यारी सी मरियम बेटी का सूट है, ठीक है? सिलाई करके पहन लेना, बकाया आपकी बुकें कल इंशाल्लाह आ जाएंगी, ठीक है? थैंक यू आंटी। वेलकम। देखें तो ये बच्चे हमारे कितने, इनको शौक़ है पढ़ाई का, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से ये पढ़ नहीं पाते। अब ये पढ़ना चाहती है, उसके लिए इसको रक्षा चाहिए जो सुबह ले के जाए और शाम को छोड़ के जाए, तो वो रक्षे का किराया जो है वो ये नहीं दे पाती, इसी वजह से वो घर पे बैठी है, चल नहीं सकती बेचारी। जूता जो है वो भी टूटा हुआ है, पूरी एक साइड ही ऐसे थी जी, एक साइड थी, पांव का ऑपरेशन हो गया, हाथ का नहीं है। और पांव हाथ जो है वो ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है, मुड़ जाता है। अभी आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को? जी वो छोटे से क्लास है, जैसे नर्सरी वाला। हाँ नर्सरी वालों को पढ़ाती है। ये लो ये आप पढ़ते हो शौक से, दिल लगा के, इसके लिए ये गिफ्ट है आपका, ठीक है? वेलकम। और ये जो बुकें हैं ये कल आपको मिल जाएंगी, ठीक है? हाँ कल मैं लेके दे जाऊंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए, आमीन। ठीक है अभी मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है मामा जी? राबिया बीबी। राबिया बीबी क्या परेशानी है आपको, किधर जा रहे हैं? बस क्या हो गया? बस 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 रोना नहीं है, रोना नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, परेशान ना हो। कितनी उम्र है आपकी? नहीं पता उम्र दा। मियां की कर दिया? मियां मेरा कोई नहीं होता, कदर मेरे हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फोत हो गए हैं मियां। हाँ। बच्चे की कर देने? बच्चे इटां टूरने कदे हुंदा है कदे नहीं। हां मजदूरी करते हैं, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। तो प्यारी माँ आप क्या करते थे पहले? लोगों के घर काम। अच्छा बर्तन कपड़े। हाँ ये कर दीजिए। लोगों के घरों में काम करती थी, बर्तन वगैरह धोते थे। हाँ। इस उम्र में भी आप काम? हाँ। करने जाते थे? अभी मैंने छोड़ा, थोड़ा अच्छा हो गया। हाँ अब मैं जाती हूँ ना। हाँ तो कहती है अम्मा तुझे सांस चढ़ जाता है। सांस चढ़ जाता है, अभी भी ऐसे ही है, सांस चढ़ा हुआ है ना। हाँ फिर इलाज वगैरह कोई दवाई वगैरह ली है? पहले की है। हाँ पैसे नहीं है, पैसे नहीं।
सही बात है। घर तो बच्चे ऐसे जो मुश्किल से ही चलते हैं, मुश्किल से चलते हैं, क्यों बच्चों की पढ़ाई हाँ नहीं हो रही। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो माशाल्लाह एक बेटी है हाँ, एक बेटा है हाँ, तीन बेटी हैं, तीन बेटी हैं, शादीशुदा हैं वो हाँ। आप फिर किसके पास रहती हैं? बेटे के पास, बेटे के पास रहती हूँ। बेटे के घर के हालात अच्छे नहीं हैं? नहीं बेटे हाँ वो अच्छे नहीं है, वो खुद अपनी रोजी से तंग हैं जिसकी वजह से आपका इलाज नहीं कर पाते। वो शाम की रोटी नहीं पूरी पहनती, हाय हाय, कभी सालन पक्या कभी नहीं पक्या हाँ, और रोज रोज तक किसी के घर नहीं मंगे जाते, जहरी बात है, नहीं बर्त बगैर असी पानी पींदे, इन्होंने घर कोई कटोरा ले जाने हाँ तो वो ही पी जाने, हमसायों के घर से बर्फ लेके हाँ। फिर पानी पीती हैं हाँ। इस अक्ति तो मेरे ख्याल बस मोती उठे हैं इन कलमन हाँ हाँ, इससे नहीं नजर आती, नजर नहीं आती, स्कैन करवा देंगे आप हाँ। मुझे बताना, आपकी दोनों आंखें बनवा दूंगी, ठीक है? अच्छा हाँ, अल्लाह में बोल दे, आमीन, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। फिलहाल ये आप कुछ पैसे रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक बरकत डाले, अपनी कोई दवाई वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है? आमीन, 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 अपना ख्याल रखिएगा, जब आंखें बनवानी होंगी तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी इंशाल्लाह जल्द आपकी आंखें बन जाएंगी। हाँ इतने पैसे नहीं है जो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ हाँ, जो उनको कह दो कोई कतरे वगैरह दे दे जो आंखें में डालें और कुछ बेहतरी हो हाँ। गुलाब के रख से तो नहीं हाँ, चलें आप घर जाएं, आराम करें, आपको रेस्ट की जरूरत है, ज्यादा देर खड़ी ना हो, ठीक है? मैं खड़ा भी नहीं हुई हाँ, सही बात है, हाँ टांगे कांपती है ना, कमजोरी है माँ जी, उम्र भी तो हो गई है ना हाँ, ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? आमीन आमीन, अल्लाह में होता है तो सब कुछ हाँ जी, बेशक बेशक, अल्लाह की जात देने वाली है हाँ, बेशक अल्लाह देता है हाँ जी, आमीन आमीन, ठीक है माँ जी, ठीक है, गुजर जाए, इधर आ जाए हाँ, हाँ सही बात है, ठीक है माँ जी, आ जाए मैं आपको छोड़ देती हूँ, अच्छा हाँ ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकअल्लाह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान एकेडमी, वी प्रोवाइड ऑनलाइन होली कुरान क्लासेस थ्रू स्काइप, ज़ूम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, टाइम एंड डे एट योर ओन चॉइस।
highly qualified male and female teachers, affordable monthly fee. We are teaching 24 hours, audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course, no age limitations. Basic Qaida, memorization of Quran, Holy Quran with rules, Tajweed, translation and tafsir, Namaz, Kalimats, Dua. 5-day free trial classes. WhatsApp number 92341-1496-126, 92305-699-2192. Skype number 92341-1496-126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareb Online Quran Academy. Visit our website www.larebonlinequranacademy.net or email larebonlinequranacademy77@gmail.com. अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी गरीब यतीम और मस्कीन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो हमसे राब्ता करे।